ओम शांति। तो अब मैंने पहले वाले में किया था इनह्यूमैनिटी टुवर्ड्स इस्लाम में। पहला वाला था क्रुअल्टी टुवर्ड्स बेबी, दूसरा था क्रुअल्टी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, तीसरा था क्रुअल्टी टुवर्ड्स वुमेन, चौथा था क्रुअल्टी टुवर्ड्स दी ओल्ड, और अब हम पांचवा करेंगे क्रुअल्टी टुवर्ड्स दी एनवायरमेंट। तो सॉरी, क्रुअल्टी टुवर्ड्स दी एनिमल्स। तो हम क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको एक हदीस दिखाती हूँ जिसमें कि कहा है कि पांच तरह के जो जानवर हैं उनको आपको मारना है। पक्षी, जानवर, जो भी लिविंग बीइंग्स हैं इनको आपको मारना है। क्यों? कोई वजह नहीं, बस इन्हें मारना। तो ये है सही बुखारी की 1829 बुक 28 हदीथ 9। नरेटेड आयशा, आयशा नरेट कर रही है। अल्लाहस मैसेंजर सेड फाइव काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर हार्मफुल एंड कुड बी किल्ड इन द हरम। दीज आर द क्रो, द काइट, द स्कॉर्पियन, द माउस एंड द रैबिट डॉग। तो आयशा बता रही है कि मोहम्मद कहते हैं कि पांच तरह के जानवर जो हैं वो हानिकारक हैं और उन्हें मारा जा सकता है। तो पहला है कौवा, दूसरा बाज, तीसरा बिच्छू, चौथा चूहा और पांचवा पागल कुत्ता। तो ये पांच जानवर और पक्षी मारे जा सकते हैं। देखा जाए तो जो जो कौवा है वो तो गंदगी साफ करता है, गंदगी खाता है जगह जगह की और हमारा वो साफ रखता है। बाज, बाज जो है वो छोटे जानवरों को खाता है। तो मुझे नहीं पता कि कैसे ये इनके लिए हानिकारक है। बिच्छू जो है वो अपने रास्ते रहता है। ईश्वर ने सारे प्राणियों को बनाया। अगर ईश्वर ये सोचता कि ये हानिकारक हैं तो ईश्वर इन्हें बनाता ही क्यों? चूहा और पागल कुत्ता। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर ईश्वर जो है उसने सही समझा तभी तो इन्हें बनाया, अगर वो सही ना समझता तो इन्हें क्यों बनाता? और अगर मान ले आप ये ईश्वर वाली बात छोड़ भी दें तो इन लोगों ने क्या बिगाड़ा था मोहम्मद का जो इन सबका विनाश कर दिया जाए? तो अब देखते हैं कि अब अगली हदीस पे चलते हैं जो ये बताएगी कि मोहम्मद ने कैसे ऑर्डर दिया कि सारे कुत्ते मरवा दिए जाएं। आपने उस पिछली हदीस में तो ये देखा था कि आयशा कह रही थी कि पांच तरह के जो हैं जानवर, उसमें पागल कुत्ता लिखा था, लेकिन उन्होंने पागल कुत्ते को नहीं बल्कि सारे कुत्तों को मरवा दिया। अब किसी हदीस में था कि वो कहते थे कि इसमें अल्लाह के फरिश्ते नहीं आ पाते हैं इसलिए कुत्ते को नहीं रखना चाहिए। तो फिर फरिश्ते पहले कैसे आ रहे थे? तब तब भी तो कुत्ते थे आस पड़ोस में। तब कैसे जो फरिश्ते हैं वो आके मोहम्मद को बता रहे थे आयतें? इस आयत के आने से पहले फरिश्ते कैसे आते थे और फिर फरिश्ते कैसे मोहम्मद से बात करते थे अगर अब नहीं आ रहे हैं? तो अचानक से उन्होंने डिसाइड किया फरिश्तों ने कि अब पहले तो आ गए और अब उन्होंने डिसाइड किया कि ना ना अब नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हारे बिस्तर के नीचे एक पिल्ला है। तो मैं आपको बहुत सारी हदीसों नहीं दिखाना चाहती हूँ ये सारी कि कहाँ पिल्ला था बिस्तर के नीचे, कब फरिश्ते ने ऐसा कहा, ये सब मैं खाली आपको इम्पोर्टेंट वाली स्लाइड्स दिखा रही हूँ, वरना ये स्ट्रीम कभी खत्म ही नहीं होगी। तो शेयर करती हूं आपसे। यह सही मुस्लिम की 24वीं बुक की हदीस नंबर 5248।
चैप्टर है एंजल्स डू नॉट एंटर अ हाउस इन विच देयर इज अ डॉग और अ पिक्चर, यानी कि आपके घर में अगर कोई तस्वीर या कुत्ता हो तो जो है फरिश्ते नहीं आते. मैमूना रिपोर्टेड दैट वन मॉर्निंग अल्लाह मैसेंजर वॉज साइलेंट विद ग्रीफ. मैमूना सेड अल्लाह मैसेंजर आई फाइंड अ चेंज इन योर मूड टूडे. अल्लाह मैसेंजर सेड गैब्रियल हैड प्रॉमिस्ड मी दैट ही वुड मीट मी टुनाइट बट ही डिड नॉट मीट मी. By Allah, he never broke his promises. And Allah's messenger spent the day in the sad mood. Then it occurred to him that there had been a puppy under the cot. He commanded and it was turned out. He then took some water in his hand and sprinkled it at that place. When it was evening, Gabriel met him and he said to him, "You promised me that you would meet me the previous night." He said, "Yes, but we do not enter a house in which there is a dog or a pitcher." Then on that very morning, he commanded the killing of the dogs until he announced that the dog kept for the orchard should also be killed, but he spared the dog meant for the protection of extensive fields or big gardens. तो ये इसमें मैमूना बताती है कि एक दिन उसने मोहम्मद को उदास देखा तो उसने पूछा मोहम्मद से कि आप क्यों जो है वो आपका मूड चेंज लग रहा है. तो मोहम्मद ने कहा कि गैब्रियल ने उससे मतलब जिब्राइल ने उससे कहा था कि आज रात मिलने को, पर वो मिलने नहीं आया और अब तक तो उसने अपना वादा कभी नहीं तोड़ा. तो इसलिए जो है मोहम्मद ने सारा दिन उदासी में बिताया. तब मोहम्मद को लगा कि उनके बिस्तर के नीचे एक पिल्ला है, तो उसने उसको निकलवाया और उसको वहां पर छिड़काव किया पानी का. और फिर जब शाम हुई तो गैब्रियल मिलने आया और उसने उससे कहा कि मोहम्मद ने गैब्रियल जिब्राइल से कहा कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मुझे मिलने आओगे पिछली रात को. तो जिब्राइल ने कहा हम उस घर में नहीं जाते जहां पर कोई कुत्ता या फिर कोई तस्वीर हो. तो उसी मॉर्निंग में उसने मोहम्मद ने ये कमांड किया कि सारे कुत्ते मार दिए जाएं, बस जो एक बड़े गार्डन जिसको कि वो प्रोटेक्ट खुद नहीं कर सकते उसका कुत्ते को छोड़ के बाकी सारे कुत्ते मार दिए जाए. तो कुत्ता जो होता है वो बड़ा लॉयल जानवर होता है. और आपको पता है कि युधिष्ठिर की कहानी में भी जो है युधिष्ठिर जो है जब एंड में सारे पांडव जब गए थे महाभारत में, जब सब पांडव हिमालय पे गए तो एक एक करके सारे पांडव जो हैं वो ठंड में गिर गए और अंत में एक कुत्ता उनके साथ हो लिया. और जब जब एक वो आया हेवन का जब रथ आया उनके लिए, तो उसने कहा कि युधिष्ठिर से कि आप इसमें बैठिए आपको लेके स्वर्ग लोक चलेंगे. तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे साथ ये कुत्ता मेरे रास्ते में आया है तो ये मेरा सह यात्री हो गया है, मेरा सहयात्री हो गया है तो मैं इसे छोड़ नहीं सकता. मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं एक रास्ते में मिले हुए को छोड़ दूं. तो उन्होंने स्वर्ग तक त्याग दिया एक कुत्ते का जो है अपने धर्म को निभाने के लिए, एक कुत्ते का साथ ना छोड़ने के लिए. तो वो ईश्वरी थे जो धर्म जो थे वो उनकी परीक्षा ले रहे थे और वो जो कुत्ता था वो कुत्ता नहीं था, वो उसने अपना असली रूप धारण कर लिया. तो ईश्वर परीक्षा ले रहे थे. तो अब आप एक तरफ ये देखिए और दूसरी तरफ देखिए कि ये जो था मोहम्मद, इसने सारे कुत्तों को मारने का ऑर्डर दे दिया और इतने ये लोग चलाक हैं कि जो अपने काम का था, जो कुत्ता इतने बड़े गार्डन को प्रोटेक्ट करता था उसको छोड़ दिया. मतलब ये हमारे काम का है तो इसे छोड़ दो और बाकी सारे बेकार है तो उन्हें मार दिया जाए. तो उनकी जान की कोई कीमत नहीं है, बस तुम्हारे मतलब के अगर वो काम आए तो उसे रखो, नहीं तो उसे मार दो. तो अब अगले पे चलते हैं. तो आप ये देखेंगे कि सनातन धर्म में लोग और जो ये नॉर्थ अमेरिका में लोग जो है वो सनातन में तो जो लोग हैं वो ज्यादातर वेजिटेरियन हैं और जो लोग मांस खाते हैं तो वो झटका मीट खाते हैं.
सरदार भी झटका मीट खाते हैं, मतलब एक बार में जो है जानवर को मार देते हैं। और विदेशों में जो मीट मिलता है उसमें एक बेल्ट पे जानवर निकलता है और फिर वो धुलता है, पहले शावर आता है उसके ऊपर और वो साफ हो जाता है, फिर आगे बेल्ट चलती है, फिर उसको किसी ऑब्जेक्ट से जो है बेहोश कर देती है स्टन करके। तो उससे क्या होता है कि जानवर बेहोश हो जाता है और बेहोशी में उसको काटते हैं। तो और दूसरी तरफ आप देखिए कि इस्लाम में क्या करते हैं कि जानवर को पकड़ के और वो इतना डर रहा होता है तो उसे, और कई जानवरों को तो ये लोग घर में प्यार से रखते हैं, मतलब इतना प्यार से रखने वाला जानवर जिसे हम दो दिन अगर कोई पिल्ला हमारे घर आ जाए हमें उससे ही मोह हो जाता है, लेकिन इन्हें कोई मोह नहीं होता। जिस बकरी को ये सारा जो है उम्र रखते हैं अपने घर में प्यार से, जो एक हमारे घर में जानवर रहता है हम उसे बच्चा समझने लगते हैं, तो इन लोगों को कोई प्यार नहीं होता। ये लोग जो है इतने प्यार से पाली हुई बकरी को हलाल करने को तैयार हो जाते हैं, उसके लिए उसे पकड़ते हैं, निर्दयता से अपने कुरान के आयतें बोलते हैं और उसे धीरे धीरे बैक एंड फोर्थ जो है वो नाइफ से काटते हैं, क्योंकि एक बार में कटिंग से जो है वो उसे नहीं खत्म कर पाते। और इनका पर्पस ये है कि जब तक उसका सारा खून ना है जो अपनी बॉडी को ना छोड़ दे तब तक उसे इन्हें हलाल करना है। तो ये क्या करते हैं कि चूंकि वो कटता नहीं है तो कई लोगों के पास ब्लेड भी शार्प नहीं होता, तो वो बैक एंड फोर्थ करते हैं और उसे काटते हैं बुरी तरह से, घिस घिस के बैक एंड आगे पीछे करके 17 बार एक बार किसी ने इसे काटा। तो मैं आपको एक शेयर करती हूँ स्क्रीन, मैं बहुत ज्यादा विभत्स जो है शेयर नहीं कर सकती, नहीं तो मेरे YouTube जो है वो उस पर वो हो जाएगा, तो ऐसी हिंसात्मक तस्वीरें नहीं दिखा सकती। पर देखो आप कि बैक एंड फोर्थ करके दो लोग जो हैं उसको कैसे इसने चाकू पकड़ा हुआ है और आगे पीछे करके उसको मार रहा है, तो कितनी निर्दयता से। और वो जानवर के पैर हिलते हैं, उसके पैर पकड़ लिए और उसकी गर्दन को इस तरह से हलाल किया इन्होंने, इतनी निर्दयता से कि जिसके होश उड़ जाए। किसी जो साधारण दयावान, जो नॉर्मल दयावान, मैं ये भी नहीं कह रही कि वो बहुत दयावान हो, नॉर्मल व्यक्ति के भी होश उड़ जाते हैं। और ये लोग छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं इस तरह से, और इस तरह का बुरे कर्म का मांस खाते हैं ये लोग, इतनी निर्दयता से जो करा हुआ। तो आपने देखा होगा कि जो कुछ वर्षों पहले जब ढाका में वो हुआ था तो सारी सड़कें उसकी जो है वो लाल हो गई, और अगर आपने मिस कर दिया उसे देखना तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ कि ये एक ढाका बांग्लादेश में है कि जब ईद उल बकरीद पे इन लोगों ने इतना काटा जो है वो मांस की, देखो सारी सड़कों पे लाल खून बह रहा है। सोचो कि कितना दर्दनाक है। उसमें बहुत सारी तस्वीरें थी, बच्चे खड़े हैं इस बहते हुए लाल, उसमें कितनी ये खौफनाक दृश्य है, पर इन्हें कुछ नहीं महसूस होता। और अब मैं आपसे एक और चीज शेयर करती हूँ कि जो एक फूड इंस्पेक्शन एजेंसी, उसने कुछ साल पहले जो नोटिस किया तो उन्होंने अपने कमेंट्स लिख के दिए, तो उन्होंने ये पाया कि एक्टिविस्ट ने जो एनिमल एड के थे उन्होंने छुपे हुए कैमरे लगा दिए, तो उन्होंने क्या देखा कि ये हलाल फैसिलिटी में जहाँ पे ये हलाल करते थे वहाँ छुपे हुए कैमरों से इन्होंने देखा कि एक वर्कर जो है वो जानवरों की जो थ्रोट्स को जो है वो हैक कर रहा है, और उसने 5 अटेम्प्ट करे ब्लड वेसल को वो करने के लिए। फिर एक ने देखा कि जो एक भेड़ थी उसको किसी ने उसके फेस पे, उसके हेड पे और जो है किक किया और उसके कानों से पकड़ के उसे उठा लिया है, और उसे उसकी फ्लीसेस और लेग्स को सॉलिड स्ट्रक्चर में मार दिया। तो इतनी क्रूरता से ये लोग, इतनी क्रूरती
से इन लोगों ने उन एनिमल्स के साथ बिहेव किया। एक वर्कर जो था वो एक जो जो ऐसी भेड़ थी जो कॉन्शियस थी, मतलब ये नहीं कि वो बेहोश थी, और वो उछल रही थी तो उसके नेक पे चढ़ के खड़ा हो गया। एक ने देखा उस, ये सब कैमरे में नजर आया कि जो स्टाफ है वो बहुत जोर से हंस रहा है, जबकि वो भेड़ जो है वो मर रही है और उसके आंखों के आसपास इन लोगों ने हरा पेंट का जो है चश्मा बना दिया और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। Employees taunting and frightening animals by waving knives. तो जो employees थे वहां के जो काम कर रहे थे स्लॉटर हाउस में, वो जानवरों को डरा रहे थे, उनके आगे चाकू दिखा रहे थे और उनके जो सिर पे बहुत जोर से चाकू मार रहे थे और उनसे चिल्ला रहे थे। तो आपने देखा कि ये कितनी, इन लोगों में कोई वो नहीं है, और ऐसे लोगों को मैं राक्षस ही कहूंगी। ये मॉडर्न डे के राक्षस हैं जो इतनी निर्दयता से जानवरों को, एक तो जानवर को खान मारना ही नहीं चाहिए, जिस ऐसे प्राणी को जिसमें इमोशंस है उसे नहीं मारना चाहिए, और जब आपके पास खाने की और चीजें मौजूद हैं तो आप इन जानवरों को क्यों खाना चाहते हैं? अब चलो खाना भी चाहते हैं तो कम से कम उन्हें कोई पेन या तकलीफ ना दे के खाएं तो वो बेटर है, या इतनी ज्यादा दर्दनाक मौत दे के और उन्हें घिस घिस के मार के वो चीखते रहें जब तक कि सारे उनका खून ना बह जाए। और ये लोग ये कहते हैं कि खून जो है वो सारा बह जाता है, जबकि ये गलत है, क्योंकि जो क्या बोलते हैं उसको, जो हड्डियां होती हैं उनके अंदर भी खून होता है, तो वो नहीं बहता, खाली 50% खून ही निकलता है, 50% जो है वो अंदर होता है हड्डियों के, तो वो रहता ही है, तो ये भी गलत बात है इनकी। तो ये जो राक्षसी भोजन है, तो ये जो राक्षसी मलिच्छी खाना है, ये इस तरह से निर्दयता से बुरे कर्म करके, ये बुरे कर्म का खाना है, और ये जानवरों के प्रति अत्यंत निर्दयता है और इसकी जरूरत ही नहीं है। हमको जानवरों के आभारी होना चाहिए कि उन्होंने हमें अपने आप को दिया खाने के लिए, और इसलिए हमें उन्हें बिना तकलीफ दिए खाना चाहिए, और ये इसके उलट है। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने न केवल औरतों, बच्चों, नवजात शिशु, बूढ़े, बल्कि जानवरों को भी इन्होंने इतनी निर्दयता दिखाई है। अब अगली स्ट्रीम में देखेंगे कि इन्होंने प्रकृति के साथ क्या क्रूरता की है। तो मैं इस स्ट्रीम को यहीं खत्म करती हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए जो है वो आपको श्रमदान करना होगा, आगे दो लोगों को एटलीस्ट ये जानकारी देनी होगी। धन्यवाद।